हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट, लेक्चर नंबर 3। अब तक हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने कंसेप्ट रीड किया एसिड और बेस का, कि एसिड सिर्फ खट्टे ना हो गए, उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है। तो आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया था, जो एच पॉजिटिव देते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं, जो OH नेगेटिव देते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। और इस मेथड की, इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। तो आज हम न्यू कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्या इसके बाद कोई और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो एक न्यू साइंटिस्ट आया जिन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में कुछ अलग बताया। क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट का नेम है बेटा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी नाम का साइंटिस्ट था जिसने किस चीज़ के बारे में, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का। उसके अकॉर्डिंग क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट उसने क्या कहा था, उसने कहा था कोई भी स्पीसीज हो, क्लियर, स्पीसीज में हम क्या क्या मानते हैं, कोई भी स्पीसीज हो, स्पीसीज में हम कंसीडर करते हैं एनायन, कैटायन, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, मीन्स जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, या कोई भी मॉलिक्यूल हो जो कैसा हो, न्यूट्रल हो, क्लियर, जो न्यूट्रल होगा और जिसके अंदर क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी या कैपेबल होगा क्या करने के लिए, डोनेटिंग अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो याद रखना जो पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा वो स्पीसीज, वो क्या होगी आपकी, एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या था, जो स्पीसीज एनायन, कैटायन और मॉलिक्यूल विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, जो डोनेट करना चाहे एक पॉजिटिव चार्ज को। और लास्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, हाइड्रोजन पे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो डोनेट करे, तो हम एक सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं एसिड वो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डोनेट करता है। जो पॉजिटिव चार्ज डोनेट करें वो क्या होंगे आपके, एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए H2SO4, H2SO4 से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, क्लियर। HCl क्या डोनेट करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा। HNO3 क्या डोनेट करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा। NH4 पॉजिटिव मींस नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मींस 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले रखा है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या डोनेट करना चाहेगा, एच पॉजिटिव, जिससे क्या बन जाएगा आपका, NH3 स्टेबल हो जाएगा, क्लियर। तो एच पॉजिटिव ये भी डोनेट करेगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखिए H3O पॉजिटिव, मीन्स हमने अब तक सुना है H2O, और वाटर के अंदर अगर H पॉजिटिव देते हैं तो क्या बना देता है, H3O। अब H3O में से क्या माइनस करेंगे, H पॉजिटिव ये दे देगा किसी को और क्या बन जाएगा आपका, H2O मींस न्यूट्रल, क्लियर। तो ये जितनी भी हैं ये क्या करना चाहते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करना चाहते हैं। तो एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनर होगा, जो H पॉजिटिव को क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, तो वही क्या होगा, एसिड। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। H2O भी क्या होगा आपका, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा इसमें से, तो ये भी क्या होगा आपका, एसिड इज अ प्रोटॉन
डोनर। देखिए ध्यान से, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड वो स्पीसीज, उस स्पीसीज के अंदर आपके एनायन भी आ सकते हैं, कैटायन भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, मींस न्यूट्रल सब्सटेंस भी आ सकते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करने के लिए। तो एसिड को हम एक प्रोटॉन डोनर मानेंगे, प्रोटॉन मींस पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू एसिड एच पॉजिटिव। H2SO4 H निकलेगा, HCl H पॉजिटिव रिलीज होगा, HNO3 इट ब्रेक्स इनटू आयंस H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आए जिसके ऊपर प्रोटॉन डोनर NH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव में से हाइड्रोजन पॉजिटिव निकालेंगे वाटर, एंड वाटर आल्सो इज अ प्रोटॉन डोनर क्योंकि H पॉजिटिव, ये ब्रेक होगा तो हमें क्या देगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। नेक्स्ट बेस के बारे में इसने क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी बेस, बेस के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, ब्रोंस्टेड लोरी बेस सेम एज इट इज वही डेफिनेशन रहेगी कि वो स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो, कैटायन हो, एनायन हो या फिर क्या हो, मॉलिक्यूल हो, जिसके अंदर क्या कैपेसिटी हो, विच आर कैपेबल ऑफ, जो कैपेबल हो। अब उस वाले कंसेप्ट में क्या था कि क्या करे, डोनेट, तो ये डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, इससे अपोज एक्सेप्टिंग, तो सेम एज इट इज़ अपोजिट है उससे क्योंकि उसमें डोनेटिंग होता है, तो इसमें क्या होगा एक्सेप्ट स्पीसीज सच एज कैटायन एनायन मॉलिक्यूल, वही स्पीसीज रहेगी, कैटायन हो एनायन हो या मॉलिक्यूल हो, सिर्फ क्या कैपेसिटी हो, किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, एक्सेप्ट करने के लिए, और एक्सेप्ट भी क्या करेंगे एक प्रोटॉन मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज को ही ये क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इनके पास क्या होगी कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेस क्या होता है इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस क्या होगा यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर, और एसिड क्या होता है प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर मींस एक्सेप्ट करेगा, एग्जांपल देखिए H2O प्लस CO3 2 नेगेटिव, अब ये मैंने क्या लिया है एनायन, क्लियर, CO3 2 नेगेटिव, इसकी मैं रिएक्शन कराती हूँ वाटर के साथ तो क्या बनेगा, यहाँ से ये एच पॉजिटिव देगा इसको, ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा H, एक हाइड्रोजन लिया CO3 नेगेटिव प्लस उधर क्या बच गया बेटा OH नेगेटिव, क्लियर, क्योंकि वाटर ब्रेक किस में होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इसने तो क्या किया डोनेट और इसने क्या किया एक्सेप्ट, इसने किया है बेटा एक्सेप्ट और इसने क्या किया है डोनेट किसको H पॉजिटिव को, तो ये क्या होगा H पॉजिटिव यहाँ पे किसका काम करेगा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O यहाँ पे एसिड है और CO3 2 नेगेटिव इसने एक्सेप्ट किया, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये क्या होगा आपका बेस। यहाँ पे टू चार्ज मतलब दो हैं, एक चार्ज किस लिए हुआ, दो चार्ज है उस इंसान के पास, दो चीज़ें हैं और वो भी नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव चार्ज वन आता है, वन पॉजिटिव टू वन क्या बच जाता है बेटा वन, और वो भी नेगेटिव का, वन मीन्स एक हाइड्रोजन आया है पॉजिटिव चार्ज के साथ और उसके ऊपर चार्ज था टू नेगेटिव, तो टू नेगेटिव हाइड्रोजन के पास होता है वन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस वन माइनस चार्ज आ गया, क्लियर। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कई बार पूछी जाती है, नोट डाल लेना, वाटर जो है हमारा एक्ट एज एन एसिड, वाटर एक एसिड का बिहेव भी करता है एज वेल एज अ बेस, एक बेस का भी मींस दोनों का बिहेव करता है, हमारा जो वाटर है वो एसिड का बिहेव भी करता है बेस का, एसिड मींस एच पॉजिटिव भी है, बेस मतलब ओएच नेगेटिव भी है, तो
तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो एसिड का भी काम करता है और बेस का भी। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, देखिए क्या एग्जांपल था, H2O प्लस CO3 टू नेगेटिव, ये एग्जांपल था। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए हाइड्रोजन ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो ये H पॉजिटिव इसको डोनेट करता है तो क्या बन जाता है HCO3 टू वन नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव बच गया। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया तो दिस इज अ बेस, H2O ने H पॉजिटिव डोनेट किया तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया आपका एसिड। अब समझ आया, तो वाटर यहाँ पे किसका काम करता है एसिड का। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वाटर किसका काम कर रहा है बेस का, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं HCl H2O रिएक्शन कराई। HCl ब्रेक किसमें होता है, लास्ट वीडियो में हम देख के आए थे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तो ये H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा, डोनेट कर रहा है मींस डोनेट करेगा, तो HCl जो है वो क्या होगा एसिड। तो डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन लिया पॉजिटिव चार्ज के साथ, प्लस क्या बच गया हमारे पास Cl नेगेटिव। अब वाटर ने यहाँ पे क्या किया है एक्सेप्ट किया है, किसको एक्सेप्ट किया है बेटा H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे क्या है बेस। तो इस एग्जांपल से हमें समझ आया कि जो वाटर है वो दोनों का बिहेव करता है एसिड का और बेस का। ये कॉन्सेप्ट था प्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेस, प्रोटॉन एक डोनर है, सॉरी एसिड जो है वो क्या करता है प्रोटॉन डोनर होता है, बेस जो होता है वो क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, एच पॉजिटिव जो क्या करे गेन करे एक्सेप्ट करे। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं एसिड और बेस। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन, क्या इस टॉपिक्स की या इस कंसेप्ट की भी कुछ लिमिटेशन रही है, तो लिमिटेशन क्या रही है बेटा, इसने भी सेम कंडीशन थी इसकी लिमिटेशंस की, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन रही है बेटा, लिमिटेशन ये रही है इट डज नॉट एक्सप्लेन, मीन्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया किस चीज़ को, कि जो SO2 है SO3 है CO2 गैस, वही उसी का पॉइंट लास्ट कॉन्सेप्ट का कि सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नेचर के अंदर एसिडिक होती हैं, क्लियर, ना तो ये H पॉजिटिव डोनेट करती है ना ये H पॉजिटिव गेन करती हैं, फिर भी ये क्या है एसिडिक है नेचर में, सेम एज इट इज CaO MgO BaO Na2O, वही एग्जांपल ये नेचर में कैसे हैं आपके बेसिक हैं, ना तो ये H पॉजिटिव डोनेट करते हैं और ना ये H पॉजिटिव गेन करते हैं, फिर भी ये नेचर में कैसे हैं बेस हैं, तो ना तो ये डोनेट करते हैं डोनर का बिहेव नहीं करते, ये एक्सेप्टर का बिहेव नहीं करते, फिर भी ये बेस हैं और ये नेचर में कैसे हैं एसिडिक है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी क्या होगी बेटा लिमिटेशन। होप्स आपको ये टॉपिक ये कंसेप्ट समझ आया होगा, कोई डाउट है कुछ भी है तो बेटा आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।